हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं एमपी फूड फैक्ट्री। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दाल तड़के की रेसिपी। इस रेसिपी से आप ढाबे देसी दाल बिल्कुल घर में ही 10 मिनट में बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को। फर्स्ट स्टेप में दोस्तों, हमने एक कटोरी में भीगी हुई दाल ली रखी है। ये हमने लहसुन की कलियाँ ली रखी हैं। ये है नमक। ये हमने 4 सूखी मिर्च ली रखी है। ये हमारी हरी धनिया है। ये हमने कड़ी पत्ता ली है दोस्तों। ये हल्दी पाउडर है। ये 2-3 कटी हुई मिर्च ले रखी है। ये थोड़ी सी प्याज है दोस्तों। ये हमने ऑयल ले रखा है। ये हमने लाल मिर्च ले रखी है दोस्तों। ये हमारे जीरे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये हमने थोड़े से टमाटर ले रखे हैं। ये थोड़ा सा हमने अदरक लिया है। ये हरी धनिया ले रखी है दोस्तों। और ये राई है। इसके बाद दोस्तों, हम कुकर को गैस पर चढ़ा लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। गैस ऑन हो जाने के बाद हम कुकर में 2 गिलास या 2-3 गिलास कम से कम पानी ऐड करेंगे दोस्तों। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं। दाल की क्वांटिटी के हिसाब से हमने यहाँ 2-2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब इसमें दोस्तों, हम भीगी हुई दाल को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कुकर में ऐड कर दिया है। तो दोस्तों, हमारी दाल पूरी तरह से कुकर में ऐड हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, हम थोड़ी सी हल्दी को दाल में डालेंगे। ये हमने हल्दी को डाला। उसके बाद दोस्तों, हम इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार। आप देख सकते हैं कि मैंने नमक को ऐड कर दिया है। अब दोस्तों, हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें 4-5 सीटी आती हैं, हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। 4-5 सीटी आने के बाद दोस्तों, हमारी दाल अब पूरी तरह से पक चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैंने कुकर को ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि दाल अच्छी तरह से गल चुकी है हमारी। ये देखिए दोस्तों, दाल हमारी पूरी तरह से। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, हम दाल को फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई में तेल को ऐड कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारा तेल गर्म हो चुका है दोस्तों। तेल के अच्छे से गर्म होने के बाद दोस्तों, इसमें हम जीरे को ऐड करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैंने जीरे को ऐड किया। उसके बाद दोस्तों, हमने इसमें राई को ऐड किया। राई को ऐड करने के बाद दोस्तों, इसको हम हल्का सा चला लेंगे जिससे कि यह जले ना। गैस को दोस्तों, हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम हरी मिर्च को ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों कड़ी पत्ता। इसको दोस्तों, हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे जिससे हमारी कोई चीज जले ना। आप देख सकते हैं कि मैं इसको धीरे धीरे चला रहा हूँ। अब इसमें हम थोड़ी सी लहसुन की कलियां ऐड करेंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे दोस्तों। अदरक को जरूर डालें दोस्तों,
ढाबा स्टाइल दाल बनाने में अदरक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो आप अदरक को ज़रूर डालें इसमें। उसके बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे अदरक लहसुन वगैरह अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसमें ऑनियन को ऐड करेंगे। हल्की छोटी कटोरी में हमने ऑनियन ले रखी थी, जिसे हमने ऐड कर दिया है दोस्तों, और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं ऑनियन को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। ऑनियन के हमारे अच्छे से फ्राई होने के बाद दोस्तों इसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें टमाटर ऐड किया, और इसको हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने टमाटर को इसमें ऐड करके उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे प्याज और टमाटर पक चुके हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे, और इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये डालना ज़रूरी होता है दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बिल्कुल दाल में स्वाद बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसमें हम मिर्ची को ऐड करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों को ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारी प्याज वगैरह अच्छे से पक चुकी है, फाइनली हमारा मसाला तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको इसी तरह से थोड़ी देर तक पकाना है दोस्तों, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हमने उबाली हुई दाल को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने दाल को ऐड कर दिया है, और ये बहुत शानदार लुक दे रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारी दाल लगभग बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे दोस्तों, जिससे कि जो हमने ऊपर से इसमें पानी डाला हुआ है वह पक जाएगा अच्छे से। फाइनली हमारी दाल रेडी हो चुकी है दोस्तों। लास्ट स्टेप हमारी दाल में तड़का लगाने की है, तो आप देख सकते हैं कि गैस पर मैंने कलछुल को रख दिया है, और उसमें मैंने हल्का सा तेल ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि तेल गर्म हो रहा है धीरे धीरे। इसको हम लो फ्लेम पर कर लेंगे, और इसमें हम हल्के से जीरे ऐड करेंगे दोस्तों तड़के के लिए। उसके बाद इसमें हम मिर्च को ऐड करेंगे दोस्तों, जो सूखी 4 मिर्च हमने ली हुई थी, और उसके बाद इसमें हम मिर्च पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सा, जिससे कि हमारी दाल में थोड़ा सा कलर आ सके। थोड़ा सा इसको डार्क पकाना है, क्योंकि ये डार्क पकता है तो उसके बाद इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है दोस्तों, और ये हम इसको दाल में मिक्स कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा तड़का लग चुका है, और हमारी दाल फाइनली तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल MP फूड फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप अच्छी से अच्छी और वीडियोस में पा सकें।
तो आप देख सकते हो कि फाइनली हमारी दाल बन के हो चुकी है तैयार, और ये बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया को ऐड करेंगे और हमारी दाल बनकर रेडी हो चुकी है दोस्तों बिल्कुल।